जहाँ कोई ना हो टेंशन, वहाँ करिए आपका हर वो फंक्शन। हर्षिता गार्डन फंक्शन हॉल नियर अक्षय हॉल लिंक सुगुर रोड नीट की इंट्रोड्यूसिंग AAC ब्रिक्स। ईंट मजबूत तो घर मजबूत। नाजरीन आदाब एवं टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, इन दिनों रायचूर के नलों में जो पानी आ रहा है, उस पानी के ताल्लुक से ये कहा जा रहा है कि वो पानी इंतहाई कसाफत से भरपूर है, जिसकी वजह से कई लोग बीमार पड़ रहे हैं और उनके जानों पर भी बना रही है। इस सिलसिले में रायचूर में एक हंगामा बरपा है, लेकिन इसके बावजूद बल्दिया के कान पे जू रेंगने का नाम नहीं ले रही है। कई लोग, खुसूस तौर पर छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। आप बच्चों के अस्पताल जाकर देखिए या फिर बड़े अफराद के अस्पताल को जाकर देखिए, हर अस्पताल मरीजों से भरा हुआ नज़र आ रहा है और सभी को एक ही शिकायत है, लूज मोशंस और उल्टी और पेट दर्द वगैरह, यानी पानी से मुतालिक ही ये शिकायत सुनने में आ रही है। इससे कबल हमने डॉक्टर बंदा नवाज का एक इंटरव्यू भी आपके सामने पेश किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर लूज मोशन और उल्टी ज़्यादा हो गई और तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है, जिसकी वजह से किडनी पर भी इफ़ेक्ट होता है और उसमें जान भी जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद बल्दिया ने अभी तक साफ़ और शफाफ पानी फ्राहम करने का कोई मंसूबा नहीं बनाया और इस सिलसिले में ना ही कोई उसने कदम उठाया है, जिसकी वजह से आज एक और मौत वाक़ा हो गई। इस मौत पर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पानी ही की वजह से ये मौत वाक़ा हुई है और ये मौत वार्ड नंबर 7 के पंचबीबी पहाड़ के दामन में वाक़ा एक मकान में हुई है। मरने वाले का नाम अब्दुल गफ्फार बताया जाता है और अंदाज़ा लगाया जाता है कि उनकी उम्र तकरीबन 30-35 साल रही है। इस सिलसिले में अब्दुल गफ्फार के भाई अब्दुल रजाक ने A1 TV से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 2 दिनों से उनके भाई की तबीयत ख़राब थी, लूज मोशंस और उल्टियां हो रही थी, जिसकी वजह से उन्हें पहले हरवी अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन जब वो सीरियस हो गया तो उन्हें रिम्स अस्पताल को रवाना किया गया, जहाँ पर कल रात अब्दुल गफ्फार की मौत वाक़ा हो गई, जिसकी वजह से उनके घर में मातम का माहौल छा गया। उनके मकान को आज कई अवामी नुमाइंदे पहुँचे, खसूसी तौर पर वार्ड नंबर 7 के नुमाइंदा रुकने बल्दिया बी तिमा रेड्डी और SDPI के तौसीफ अहमद भी यहां पर पहुंचे और उन्होंने रुकने वाले के रिश्तेदारों को दिलासा दिलाया। नुमाइंदा रुकने बल्दिया बी तिमा रेड्डी ने गफ्फार की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया और उनकी तदफीन के लिए अपनी जानिब से 10,000 रुपये भी दिए। उनकी जानिब से तदफीन के लिए 10,000 रुपये भी गफ्फार की फैमिली को तिमा रेड्डी ने दिए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए नुमाइंदा कौंसलर तिमा रेड्डी ने कहा कि इन सारे बीमारियों और अमवात के जिम्मेदार बल्दिया का अमला है। इन्होंने कहा कि बल्दिया का स्टाफ पीने के पानी की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। जब से ये नई बल्दिया बनी है, जब से नए सदर बने हैं, उस वक्त से इसी तरह के वाक़ात पेश आ रहे हैं, लेकिन इस सिलसिले में कोई इकदाम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि बल्दिया के अहदेदारान को, खुसूसी तौर पर बल्दिया की नए इकतदार को चाहिए कि इस सिलसिले में गौर करें और फौरन साफ और शफाफ पानी की सरबराही कराई जाए। ये सवाल किए जाने पर कि आप खुद एक रुकने बल्दिया हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सब नई बल्दिया कमेटी बनने के बाद हो रहा है, इस सिलसिले में वो इजलास में ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। इस मौके पर तौसीफ अहमद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरने वाला अपनी माँ का वाहिद सहारा था, अब इसका इंतकाल हो गया है तो उसकी वालदा का क्या होगा, इसकी बूढ़ी वालदा की देखभाल कौन करेगा, लिहाजा बल्दिया को चाहिए कि वो अपनी गलती माने और मरने वाले की वालदा को कंपनसेशन के तौर पर रकम अदा करे। हालांकि बल्दिया की जानिब से हर किस्म का टैक्स वसूल किया जाता है। जब भी हम नुजूल बनने जाते हैं तो उसमें कचरा उठाने से लेकर साफ़ सफाई, स्ट्रीट लाइट का इंतज़ाम, पीने के पानी और दीगर सारे मदाद के टैक्स उसमें वसूल किए जाते हैं। अवाम जब टैक्स बनती है और अवाम जब नल की बिल बनती है, तो फिर इस तरह के वाक़ात आने पर बल्दिया ही जिम्मेदार होती है। लिहाजा बल्दिया को चाहिए कि अपनी गलती को मानकर ऐसे मरने वालों के परिवार वालों को और बीमार अफराद के इलाज और मुआवजे के लिए एक रकम मुख्तस करे और उनको वो रकम अदा करे। ये टैक्स दरअसल एक इंश्योरेंस की तरह भी समझा जा सकता है, जिस तरह इंश्योरेंस कंपनी वाले बीमार पड़ने पर या फिर इंतकाल होने पर रकम अदा करते हैं, उसी तरह बल्दिया को भी चाहिए कि वो भी रकम अदा करे। बहरहाल नाज़रीन, इस सिलसिले में कई और लोगों ने भी A1 TV से गुफ्तगू की, उनकी गुफ्तगू भी आप मुलाहजा कर सकते हैं। बहरहाल हम आपको इतना कहना चाहेंगे कि इन दिनों वाकई में कसाफत से भरपूर पानी नलों में आ रहा है, जो कि पीने के काबिल नहीं है। लिहाजा या तो आप फिल्टर पानी का इस्तेमाल कीजिए या फिर पानी को गर्म करके पीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बल्दिया की इस कारस्तानी की वजह से एक दिन पानी में बेर के पत्ते डालकर गर्म करना पड़ जाए। भाई क्या हुआ था तुम्हारे?
पानी लैटरिन का मोशन दो रोज में उल्टियाँ पैसा नहीं कौन से हॉस्पिटल में सर के पहले वो अरविंद के पास बता अरवी वहाँ से रिम्स खुले क्या बोले अरविंद क्या बोले होता हराम होता होता बोल रहे खाली पैसे खेल रहे कहाँ चलाना पैसे बोल रिम्स को रिम्स को गए उल्टियाँ पैखाने उम्र कितनी थी तुम्हारे भाई किलो हो गए सामने तक को बोलो सामने तक उम्र कितनी थी भाई की आपके उम्र 35 अब्दुल गफ्फार साहब का इंतकाल हुआ ये पानी की वजह से इंतकाल हुआ बोल के हमारे को है ना पूरा क्लियर मालूम हो रहा रात में बैठने हुए अच्छे खासे आदमी थे उन्होंने बैठने हुए मोशंस होते हैं ना अचानक इंतकाल हुआ उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है जवान आदमी 35 साल के करीब उनकी उम्र है घर में कौन भी नहीं रहते ऐसा पर्सन भी हमें अफवाह सुने ये कि पानी की वजह से म्यूनसिपालिटी में साफ पानी नहीं आने की वजह से एक इंतकाल हुआ था वही वजह है हमारे मेरे को खुद भी रहते हैं सबको पूछ लो आप पेट में दर्द एक चार दिन से कंटिन्यू पेट में दर्द है पेट में दर्द हो के मोशंस कंटिन्यू मोशंस हो रहे यही चेक वजह समझते हो इसलिए आज मोहल्ले वाले सब इधर जमा हुए गफ्फार भाई को है ना ये पानी की वजह से इंतकाल हुआ से क्या तो क्या कंपनसेशन देना बोलकर हम लोग है ना मांग करते नहीं बोलते उनके घर में उन्होंने माँ साहब अकेले रहते कमाने वाले एक ही आदमी उन्होंने उनकी अम्मी अकेले रहते अब उनका कैसा गुजारा होना ये लापरवाही की म्यूनसिपालिटी वालों के जो अधिकारी है उनकी लापरवाही की वजह से हुआ से इसकी वजह से उनको कंपनसेशन देना बोलकर पूरे मोहल्ले वाले आज जमा हुए सो है इंशाल्लाह काउंसलर साहब भी है इसकी पूरी तहकीकात करते और हुआ तो हमें है ना आगे केस भी करेंगे जो भी लापरवाही करे उनके ऊपर हम है ना केस भी करेंगे बोलते ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಗಫರ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ ಬಂದೀವಿ ಬಾಡಿನ ನೀರಲಿಂದೇ ಕುಡಿದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾರ ಅಂತೇಳಿ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ದಿವಸದಿಂದ ಪಾಪ ನಿನ್ನೆನೂ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲಾರ್ದೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಮ್ಸ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ನೀರಿಲಿಂದ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನೂ ಹೇಳ್ದೆ ನಮಗೆ ನೀರಿಲಿಂದ ನೀರಿನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ ನೀರಿಲಿಂದ ಈ ಹುಡುಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂಜಾನೆ ಮಾತಾಡ್ಸಂಬಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಡೆತ್ ಆಗ್ಯಾನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಲಂ ಬೀಚ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಅವನ್ನೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಜನರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಚಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅವರು ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಗಿರಲಿ ಜೆ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಅಮಾನತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಈ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ 4-5 ಜನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ರಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಲತ್ತು ಚಲೋ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಜನ ಭಯ ಭೀತರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನೀವೇ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದೀರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇದುವರೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಹೊಸ ಬಾಡಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದವು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾವಿದ್ದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳದ್ದು ವೈಫಲ್ಯತೆ ಇದನ್ನು ಅಥವಾ ಅದು ಏನಂತ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು मैं रायचूर के अवाम से गुजारिश करता हूँ कि मुसलसिल एक दो हफ्ते से या एक महीने से ये पानी गंदा पानी आने की वजह से हर घर में 2-3 पेशेंट मौजूद है और हाल ही में 15 दिन से मेरे घर में खुद 3 बच्चे मेरे दो एक बेटा एक बेटी अभी हाल ही में मेरी भांजी अदोनी से आए हुए थे उनका भी जो है 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट था चौड़ी के पास अमरूत में उस दौरान मैं अमरूत में एक रात एक दिन गुजार के आया हूँ उस दौरान मैं देखा कि हर एक घंटे में एक पेशेंट एडमिट हो रहा और उस दौरान मैं ये भी देखा कि एक बच्चा उसमें इंतकाल भी हुआ इसमें लापरवाही माँ बाप की भी है कि भाई उल्टियाँ पैखाने हो रहे मोशंस हो रहे क्या गोली डाल के कम करेंगे वो करेंगे बोल के घर में खुद का इलाज कर ले रहे आखिरी सूरत में जब बच्चा पूरी तरह डिहाइड्रेट हो रहा
बच्चा अपनी पूरी जो है एनर्जी लॉस करने के बाद में डॉक्टर के पास जा रहे। मैं ऐसा भी देखा, डॉक्टर एक पेशेंट को हाथ छोड़ दिया, माली पटेल बोला कि तुम ये सिचुएशन में लाए तो अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अब दुआ करो मैं जो इलाज करना है वो करूँगा, बल्कि एंटीबायोटिक दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची की उम्र हयात थी, वो बच्ची दूसरे दिन बच गई। पानी जो आ रहा, लीडरों के घर में पानी ऐसा रहेगा उन्हों बाथरूम में भी फिल्टर पानी यूज़ करते रहेंगे, लेकिन तुम बिना फिल्टर का पानी, जो पानी को अगर तुम फिल्टर हुआ पानी और नॉर्मल पीने का पानी देखे तो पीने का पानी तुम बाथरूम को भी यूज़ नहीं कर सकते, वैसा गंदा पानी आ रहा। तो इसमें गलती किसकी है, आवाम की है या लीडर की है? तो मैं लीडरों को, किसी लीडर को ब्लेम नहीं करता, ना किसी पार्टी को ब्लेम करता, डायरेक्टली ब्लेम करता हूँ मैं लोगों को, आवाम को। आवाम है जो लीडर को लीडर बनाती, तुम अगर गलत कैंडिडेट बनाएंगे तो तुम ही उसका प्रॉब्लम आगे फ्यूचर में फेस करना, तुम अगर राइट कैंडिडेट चुनेंगे तो तुम्हारे कुछ आगे उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। नगरसभा संबंध पट्ट अधिकारी ए डबल इ वेंकटेश अनाहुत आएस मत अनाफिसली सोलेगू कलबेरिके मत वामिटिंग आगे मोशन्स आगे जनरु मक्कलु इल्ली सायतार इदक्केल्ल संबंधपट्ट अधिकारी नगरसभे अधिकारी कारण अंत हेळ्तीनि इल्ली स्पष्टवागि ओंदु एरडनेदु एनप्प अंद्रे इल्ली यारु रेस्पॉन्सिबिलिटी तगोळ्ळताने इल्ल नम्म अण्ण बिट्रे बेरे यारु इल्ल इल्ली नमगे केळोरु इष्टु नानु अवरिगे हेळ्तीनि नूरारु सल मनवि पत्र कोट्रनु एनु रेस्पॉन्सिबिलिटी इल्ल ए वेंकटेश डबल ई तिप्पय्यवरु ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ನೂ ಇಲ್ಲ, ನಗರಸಭೆ ಹೋಗಿ ನಗುವ ಸಭೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಡವರ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಡವರ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆಯೋ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಿ. ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಮ ಕೊಡಬೇ, ಸೂಕ್ತವಾದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಪೇಷಂಟ್ ಏನೇ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಗರಸಭೆಯವರೇ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಇದು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೇನಿದೆ ಮುಂದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ.